Let me give a pause now here and let us just think as to what all we feel about the, 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 the article that is proceeding, the story that is proceeding. You must have found that the writer, Ashoka Mitran, is a pretty sarcastic. सरकेस्टिक मतलब व्यंगात्मक ही हैज़ यूज गुड्स अप्लाइड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन हिज राइटिंग उन्होंने विस्तार से जब अपना आ, जेमिनी लैब का जेमिनी स्टूडियो का मेकअप लैब का वर्णन किया है तो लगातार एक के बाद एक मजाकिया अंदाज में कई चीज़ें उन्होंने बताई For example, how I used to sit in a corner and just busy cutting paper. For example, the behavior of that office boy and the way he used to slap colors on the faces of the crowd, the way hierarchy was being strictly maintained, and so on and so forth in the course of this he mentions beautifully the evolution of germany studio when we proceed further we will again find that same sense of humor continuously being seen noticed in that article ek ke baad ek हल्के हल्के फुलके मजाक के साथ लेखक ने उस काल के स्टूडियो के दृश्य का वर्णन किया है लेट अस प्रोसीड फर्दर अबाउट टू नो लिटिल मोर अबाउट साबू सुबू अदरवाइज वेरी टैलेंटेड Here goes the article. You saw Subbu always with the boss. Subbu always was with his boss. Ke tha. But his name in the attendance roll was grouped under a department called the story department. वैसे तो वो बॉस के साथ ही घूमते रहता था एक तरीके से उनकी छाया की तरह मंडराता रहता था उनके साथ साथ लेकिन उसका जो नाम था अटेंडेंस रजिस्टर में वो एक ऐसे ग्रुप में था जो ग्रुप था स्टोरी डिपार्टमेंट का एक कहानी विभाग का कहानी विभाग के लोगों के साथ उसका नाम डाला गया था बिकॉज देखा जाए तो उसका तो वन मैन डिपार्टमेंट था केवल फाइलों को बनाना न्यूज़पेपर की कटिंग से उसमें कोई और तो था नहीं तो इसलिए वो वन मैन डिपार्टमेंट ना करके स्टूडियो के मालिक ने उसका नाम किसी एक एक उसी के स्तर के डिपार्टमेंट में उसका नाम डाल दिया और वो था कहानी विभाग दिस स्टोरी डिपार्टमेंट आल्सो हैड वन लॉयर अपार्ट फ्रॉम राइटर्स एंड पोएट्स लेखकों और कवियों का नाम तो उस रजिस्टर में था उस विभाग में था लेकिन उसके साथ एक लॉयर का नाम भी था एक अधिवक्ता का नाम भी था वकील का नाम भी था दिस लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार अधिकृत रूप से ऑफिशियली मतलब अधिकृत रूप से अधिकृत रूप से उसे कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज ऑपोजिट रेफर मतलब उसको आ, एक तरीके से उल्टा पुल, बोलना लेकिन हर कोई उसे उल्टा ही बोलते थे कानूनी सलाहकार तो उसका नाम था उसका दर्जा था उसका था उसके पद का नाम था लेकिन शायद उसकी गतिविधियां ऐसी थी कि लोग उसका उल्टा ही बोलते थे मे भी गैर कानूनी सलाहकार इलीगल एडवाइजर काइंड ऑफ थिंग सो दिस वॉज अनादर वेरी फनी थिंग अबाउट पीपल इन द जेमिनी स्टूडियो अब क्यों बोलते थे क्या है थोड़ा आगे इस पर जानेंगे एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस एक्स्ट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड विलक्षण प्रतिभा वाली एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्स्ट्रीमली टेम्पराेंटल जो स्वभाव से बहुत तुनक मिजाजी थी छोटी छोटी बात पे भड़क जाना गुस्सा हो जाना व्यवहार में बहुत तेजी से बदलाव आना वो कहलाता है टेम्परामेंटल तुलक मिजाजी व्यवहार तो एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस विथ एन एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल एटीट्यूड वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट ब्लो ओवर मतलब नाराज हो जाना क्रुद्ध हो जाना टू ब्लो ओवर ब्लो माने वैसे फूकना होता है लेकिन ब्लो ओवर मतलब नाराज हो जाना ही ब्लू ओवर किसी बात को लेकर मंच पर वो बहुत नाराज हो गई एंड मेन एवरीबडी स्टूड स्टंड जब हर कोई भौचक्का था उसके व्यवहार पे मतलब भाचक्का हो जाना आई वो स्टंड टू सी हिम ड्राइविंग मोटरसाइकिल आई वो स्टन टू सी ए हंड्रेड इल्ड मैन ड्राइविंग मोटरसाइकिल मैं सौ साल के व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते हुए भौचक्का हो गया इट वॉज ए स्टनिंग परफॉर्मेंस ऐसा परफॉर्मेंस जिसने सबको भौचक्का कर दिया उसे कहेंगे स्टनिंग परफॉर्मेंस मैनी ए टाइम रविंद जाडेजा हैजेक रविंद जाडेजा ने बहुत बार ऐसे कैच लिए हैं जो सबको भौचक्का कर देते हैं दिस इज कॉल्ड स्टनिंग सो वेन एवरीबडी वीबडी टूड स्टंड द लॉयर क्वाइटली स्विस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग एक्विपमेंट जब वो बहुत नाराज़ हो रही थी और अपनी नाराजगी को बता रही थी और सब भावचक्के थे उसी समय ये लॉयर ने क्या किया स्विच डॉन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो उसका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था जिसमें फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों की बात रिकॉर्ड होती है उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चला दिया स्विच ऑन टू स्विच ऑन मतलब चालू करना स्विच ऑफ मैंने बंद करना तो ही स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ पॉज फॉर ब्रेथ सांस लेने के लिए जब वो थोड़ी रुकी तो लॉयर ने उससे कहा वन मिनट प्लीज एक बार थोड़ा रुके वो गुस्सा हो रही थी बड़बड़ा रही थी चिल्ला रही थी नाराज हो रही थी और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया तो उसका एक गुस्सा और ये सब उसमें रिकॉर्ड हो गया किसने ऑन किया लॉयर महोदय ने और जब वो थोड़ा गुस्से क्रोध में जब थोड़ा सा उसने आ, अपने को रोका सांस लेने के लिए इससे पहले वो आगे गुस्सा होती लॉयर ने कहा एक मिनट थोड़ा रुकेंगे और ऐसा कह के उसने उस मशीन को ऑन कर दिया अर्थात उनकी आवाज़ को सुनाया वन मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट ऑल शी हैड सेड इन एंगर गुस्से में उसने जो भी कहा था वो तो उसने रिकॉर्ड कर लिया वकील ने और अब यहाँ उसको कहा मैडम एक मिनट रुकिए सुनिए थोड़ा और उसको सुना दिया देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल उस रिकॉर्डिंग में जितना उसने किया था उसमें निर्माता के विरुद्ध अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण जो भाषण था जो दे रही थी गुस्सा दिखा रही थी उसमें निर्माता के विरुद्ध उसने कुछ भी दोषारोपण नहीं किया था कुछ अकथनीय या गंदी बात नहीं कही थी कुछ भी नहीं था लेकिन गुस्से का इजहार कर रही थी किसी बात को लेकर लॉयर ने उस बात को सुना दिया देर वॉर नथिंग इनक्रिमिनेटिंग इनक्रिमिनेटिंग मतलब जैसे कहेंगे दोषारोपण से परिपूर्ण आपत्तिजनक इनक्रिमिनेटिंग मतलब आपत्तिजनक एंड थिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल और ऐसा भी अकथनी कोई बात नहीं थी फाउल मैंने बुराई foul मने कोई बुराई ऐसी कोई बात भी नहीं थी किसके खिलाफ निर्माता के खिलाफ इन द टेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर टिरेड मैंने जो तेजी से भाषण दे रही थी जो तेजी से ब्ला 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 करके जो सुनाई जा रही थी उसे कहते हैं टेरेड तेजी से बहुत अपना गुस्सा दिखाना नॉन स्टॉप बोलते जाना एक तरफा बोलते चले जाना उसे कहेंगे टेरेड तो वो टेरेड में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था कुछ भी गंदी बात नहीं थी बट वैन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज डम्ब स्ट्रक लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी उस एक्ट्रेस ने लॉयर ने जब रिकॉर्डिंग को चलाया और चलाने के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ सुनी तो शिव डम्ब स्ट्रक डम्ब मतलब गूंगा स्ट्राइक से बना स्ट्रक वो वो, वो भौचक्की हो गई वो गूंगी हो गई गूंगी हो गई मतलब एकदम कहना चाहिए कि कुछ बोल नहीं सकी एकदम घबरा गई जबकि उसमें कोई गलत बात उसने नहीं कही थी अपने गुस्से का इजहार किया था कि बस किसी बात को लेकर और यहां उसको नाराजगी किस बात क्यों क्यों डम्पस्ट्रक हो गई इतना क्यों हड़बड़ा गई क्योंकि उसको अंदाज नहीं था कि उसका ये गुस्सा रिकॉर्ड हो रहा है उसके लगा मेरे साथ धोखा हो गया और वो धोखे वाली दुनिया की लड़की नहीं थी When she heard her voice again through the sound equipment, she was dumbstruck. A girl from the countryside. Countryside मतलब होता है गांव. Countryside यानी गांव. याद रखेंगे village and countryside is same. Countryside माने गांव. She was from a countryside. वो एक गांव से आई हुई महिला थी, actress थी. शी हेड एंड ग्रू ऑल स्टेजेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस दुनियादारी के हर पड़ाव से वो नहीं गुजरी थी वो तो एक गाँव से आई हुई एक्ट्रेस थी बिल्कुल नई नहीं, नहीं थी दुनिया में दुनिया की शानों शौकत दुनियादारी में उसने तो अभी पैर रखा था कदम रखा था तो ग्रामीण से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हुई लड़की ये एक्ट्रेस उसने तो दुनियादारी ऐसी देखी नहीं थी और एक्सपीरियंस दुनिया के ऐसे अनुभवों से उसका सामना नहीं हुआ था जो सामान्यतया जनरली प्रोसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑन सफिस्टिकेशन ऑन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटा पल्टेड इन टू कैटा पल्ट क्या होता है आप गांव में या शहरों में भी कई जगह एक लकड़ी का वाई शेप में एक टुकड़ा बनाते हैं पेड़ के तने को ऐसा काटते हैं कि वाई शेप निकले और उसके बाद उसमें चमड़े की पट्टी और फिर ऊपर एक रबर टायर का रबर और फिर उससे क्या बनता है गुलेल गुलेल को कहते हैं अंग्रेजी में कैटा पल्ट तो गुलेल का क्या काम है किसी पत्थर को मार बहुत दूर उछाल देना ऊपर उछालना बहुत ऊंचाइयों तक उछालना सो द गर्ल वॉज कैटापल्टेड फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड टू सडनली द वर्ल्ड ऑफ सफिस्टिकेशन बहुत सफिस्टिकेटेड वर्ल्ड बहुत ऐसी दुनिया में आ गई थी जहाँ उसका बहुत महत्व था बहुत सफिस्टिकेटेड uh, uh, अलग ढंग की दुनिया में वो अचानक अपने को पाती है और इस जम्प में ग्रामीण पृष्ठभूमि से उस हाइट तक पहुंचने के दौर में उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखी थी तो अचानक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन गई थी शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे टेरर मतलब घबराहट भयंकरता उसने जो आवाज अपनी रिकॉर्डिंग में सुनी या लॉयर ने रिकॉर्ड करके उसका गुस्सा जब उसको सुनाया तो वैसे तो उसने कोई बुरी बात कुछ थी ही की ही नहीं थी लेकिन उसको ये बात ख़राब लग गई एक्ट्रेस को और वो बहुत बुरी तरह घबरा गई कि मेरी आवाज़ मेरे क्रोध को रिकॉर्ड किया है घबराने का कोई कारण नहीं था लेकिन फिर भी घबरा गई क्योंकि वो ग्रामीण बैकग्राउंड से आई हुई लड़की थी और अचानक वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों को पाकर एक, एक एक्ट्रेस बनी थी तो जो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको जो झटका लगा जो तनाव आया उससे वो दोबारा उभर नहीं पाई ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड शी कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट दुनियादारी की पद पर महत्वपूर्ण पद पर जब कोई पहुंचता है धीरे धीरे तो रास्ते में बहुत सी चीज़ें सीखता है वो लेकिन जो अचानक ऊपर पहुंच जाए जैसे कि एक्ट्रेस थी और प्रसिद्ध की ऊंचाइयां पाले अचानक तब बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है बहुत तनाव आ जाता है वही तनाव इसको आया उस शौक से वो दोबारा उबर नहीं पाए उसने जिस पद पर अपने को अचानक चढ़े हुए पाया जिस ऊंचाई पर उसको मालूम था कि अधिकतर लोगों को उस ऊंचाई में पहुंचने पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लेकिन ये तो अचानक पहुंच गई थी और वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की तो ये रिकॉर्डिंग को अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड को सुनकर वो एकदम तनाव में आ गई और शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन फ्रॉम द टेरर बहुत ज़्यादा घबरा गई ट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर और इस प्रकार एक शानदार करियर का जो बड़ा संक्षिप्त था ब्रीफ यानी संक्षिप्त ब्रिलियंट मैने शानदार एक्टिंग कैरियर समाप्त हो गया इतनी ज्यादा वो घबरा गई तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं अशोक मित्रन की वो जो लॉ एडवाइजर थे कानूनी एडवाइजर लीगल एडवाइजर वास्तव में लोग उनको उनको उल्टा बोलते थे क्या बोलते थे इलीगल एडवाइजर वो काम बिगाड़ देते थे एंड विद दिस द दैट द द एंड गर्ल्स एक्टिंग कैरियर केम टू एन एंड द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट सैड एंड और ये सब क्यों हुआ उसका एक्टिंग करियर खत्म क्यों हुआ क्योंकि ये लीगल एडवाइजर महोदय ने जो स्टो जो वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट के तो एक मेंबर थे अनविटिंगली अनजाने में उनकी ये मंशा नहीं थी कि ये लड़की का एक्टिंग करियर खत्म हो पर उनकी मंशा थी लड़की को बताना कि बहुत क्रोधित हो गए हो तुम एक्ट्रेस को बताना कि तुम बहुत क्रोधित हो गए हो ये बताने की मंशा थी पर दुर्भाग्य से हुआ क्या अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड बड़ा दुखदाई अंत करवा दिया उन्होंने किसका उस एक्ट्रेस की एक्टिंग करियर का बहुत दुखदाई अंत लीगल एडवाइजर की उस हरकत के कारण हो गया अच्छा वो लीगल एडवाइजर जो थे उनकी एक और विशेषता थी सुबह के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद after talking so long about subbu author is now targeting the legal advisor and his habits and so now he says not only was he a kind of illegal advisor but he was something different also while every member of the family which family gemini family जर्मनी में काम करने वाले जो सभी सदस्य थे दे वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म पहन के आते थे और वो यूनिफॉर्म क्या होता था ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल एक ही जैसा बनावट हो लेकिन हाँ खादी की धोती विथ ए स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्बिली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट स्लाइटली ओवर साइज जो यूनिफॉर्म थी ऐसी अनाउंस नहीं हुई कि सबको इसमें आना है लेकिन उस समय की प्रथा थी ये कब की बात कर रहा हूँ फ्रीडम मूवमेंट के दौरान की बात बिफोर इंडिया बिकेम फ्री मोस्ट ऑफ द पीपल वे आर वीरिंग खादी एंड जेमिनी स्टूडियो वॉज नोट डिफरेंट वी विल लर्न फर्दर अबाउट खादी इन दिस वेरी स्टोरी बट राइट नाउ वॉट यू शुड नो इज़ दैट वाइल एवरी पर्सन वोर खादी धोती एंड स्लाइटली ओवर साइज थोड़ा बड़ा ओवर साइज यानी बड़ा साइज से बड़ा स्लाइटली मैंने थोड़ा क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट क्लमजली टेलर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे ही सिला हुआ सफ़ेद खादी का शर्ट तो खादी की धोती पहनते थे और सिला हुआ खादी के शर्ट पहनते थे द लीगल एडवाइज़र वोर ए पैंट एंड ए टाई वाइल मोस्ट ऑफ देम वोर खादी ड्रेस दिस लीगल एडवाइजर वोर पैंट एंड ए टाई एंड सम्स ए कोट दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल पोस्ट ऑफिस का कोट दिखता था जैसे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट पोस्टमैन पहनते हैं उसी ढंग का वो कोट पहन के आ जाते थे टाई पहने रहते थे पैंट रहती थी और जबकि बाकी सब लोग खादी के कपड़ों में रहते थे तो इस मामले में भी लीगल एडवाइजर थोड़े से अलग ही थे ऑफन ही लोग एलोन एंड हेल्पलेस तो अधिकतर आ, अकेले ही दिखते थे उनके आसपास कोई नहीं रहता था आदमी ऐसे थे एंड हेल्पलेस और आ, बड़े असहाय टाइप के लगते थे किसी से उनकी बातचीत नहीं थी ज्यादा अपने ही दुनिया में अलग रहते थे और सोचना भी अलग था आखिर अलग रह क्यों हो गए थे कपड़ों के कारण और एक्ट्रेस के साथ जैसी उन्होंने हरकत की उसके कारण और एक कारण और था वो था ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स वो जो व्यक्ति थे वो बड़े लॉजिक की बात करते थे हमेशा तर्क की बात करते थे हर बार हर बात में तर्क ले आते थे आखिर पेशे से वकील थे तो तर्क तो लाएंगे ही लेकिन बाकी लोग क्या थे बाकी लोग तो ड्रीमर्स थे ना फिल्म की दुनिया में काम कर रहे थे, सो देवे थे ड्रीमिंग, सपनों की दुनिया में कल्पना की दुनिया में वो लोग रहते थे हवा में उड़ते थे कल्पना की उड़ान में रहते थे तो इस, इस कारण भी ये महोदय अपने को अकेला पाते थे असहाय पाते थे असमंजस में पाते थे और बाकी लोग भी उनसे दूर रहते थे क्योंकि ये हमेशा तर्क और तार्किक की बातें करें तो ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक लॉजिक जो होता है तर्क उसको ऑथर ने कहा कोल्ड कोल्ड माने ठंडा कोल्ड लॉजिक मतलब नीरस नीरस तर्कों की बात करते थे यहां कोल्ड माने हो नीरस जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो तर्क जो होता है तर्क तो सीधी सादी बात होती बिल्कुल स्ट्रेट बात उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते लेकिन कल्पना की उड़ान में तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो तो ये कोल्ड तर्क ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर दैट वॉज डिफरेंट ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी एंड खादी और इस प्रकार एक तरीके से एक न्यूट्रल आदमी था न्यूट्रल मतलब जो किसी के साथ ना हो एक गांधीवादी लोगों के खादी पहने हुए लोगों के से हट कर था अपनी सोच विचार में अपने रहन सहन में अपनी हरकतों में और इसीलिए अपने को अकेला असहाय पाता था लाइक सो मैनी ऑफ दोज हुआर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म

तो बहुत पैनकेक का उपयोग किया खूब सारे मेकअप मटेरियल का उपयोग किया लॉट ऑफ रॉ स्टॉक और बहुत सारे माल का उपयोग किया एंड पैन केक्स वेयर यूज लेकिन नॉट मच केम आउट ऑफ इट, उससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं अर्थात बहुत पैनकेक खर्च हुआ बहुत आ, बहुत सामान लगा लेकिन फिल्म चली नहीं इट वॉज ए काइंड फ्लॉप देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एक दिन बॉस ने वो वो डिपार्टमेंट वो विभाग ही बंद कर दिया ही क्लोज इट डाउन एंड दिस वॉज पर ओनली इंस्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री वेर ए लॉयर लॉस्ट हिस्स जॉब और इस प्रकार ये एकमात्र उदाहरण संभवतः दुनिया के इतिहास में बन गया पर संभवतः ओनली इंस्टेंस उदाहरण संभवतः यह एकमात्र उदाहरण बन गया मानव इतिहास में जहाँ एक वकील को अपनी नौकरी खोनी पड़ी या एक वकील की नौकरी खा दी गई क्यों बिकॉज पोएट वेयर आज टू गो होम क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो कवियों को कहा गया भाई अब आप लोग अपने अपने घर जाएँ अब जरूरत नहीं है तो परिणाम क्या हुआ जब डिपार्टमेंट ही बंद हो गया तो ये जो सज्जन थे जो महोदय थे लीगल एडवाइजर इनकी भी नौकरी खत्म हो गई और इस प्रकार राइटर से अगेन विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर कि वकील जैसा आदमी जो तर्क में बातें करता हो संभवतः पहली बार नौकरी खोया होगा और ये उसका एकमात्र उदाहरण मानव इतिहास में संभवतः है बहुत हास्यास्पद बात उसने कही है लेखक ने हो दिस इज हाउ वी फाइंड दिस चैप्टर इनक्रिमिनेटिंग मीन क्या होता है तो मैंने बताया तुनक मिजाजी टू ब्लो ओवर मतलब उड़ा देना शांत कर देना इनक्रिमिनेटिंग मतलब दोषारोपण वाले दोषारोपण जिसमें किया हो शी नेवर सेड एनी थिंग विच वॉज इनक्रिमिनेटिंग आपत्तिजनक दोष लगाते हुए बात कुछ नहीं था टिरेड आई टोल्ड यू बड़ा क्रोधपूर्ण भाषण गुस्से में दिया गया भाषण जो होता है वो टिरेड जिसमें एक पक्षी आप लगातार बोलते चले जा रहे हो और शिवस्तक दम दैट मींस ना बोल पाई बिल्कुल चुप हो गई कैटापल्ट गुलेल तो इस प्रकार ये भी एक बड़ी हास्यास्पद बात हुई कि अन्य लोगों ने एक वकील की नौकरी खा दी नाउ वी कम टू द दिक्सथ पैरा द सिक्स पैरा इज फर्दर अबाउट द जेमिनी स्टूडियो एक एक करके अलग अलग आस्पेक्ट को लेते हुए राइटर इज स्पीकिंग अबाउट जेमिनी स्टूडियो सबसे पहले शुरू करते हैं वो कहां स्थित था भवन कैसा था उसके बाद वो बताते हैं अनुशासन आदि की बातें फिर अपना कमरा उसके बाद वहां का माहौल कैसा हुआ करता था और ऐसा करते हुए शुभु और फिर उसके बाद लॉयर अब अब किसका नंबर है नेक्स्ट वॉट एंड हियर ऑथर स्टार्ट जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स जेमिनी स्टूडियो जो हुआ करता था वो कवियों का एक अड्डा हुआ करता था हॉन्ट मने अड्डा शिकार हॉन्ट जहाँ पर आ, एक अड्डा इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े बड़े कवि वहाँ आते थे लाइक एस डी एस योगी आर सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड uh, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय सम ऑफ द गुड नेम्स इन दो एंड यू सी अगेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट वन बंगॉली तमिलियन कन्नड़ा एक्सेट्रा इट हैड एन एक्सेलेंट मैस और क्यों ना आए कभी लोग वहां पर क्योंकि उसका जो मैस था बड़ा शानदार था जहाँ पे खाना आदि मिलता था नाश्ता आदि मिलता था एक्सेलेंट मैथ विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट मतलब अधिकतर समय रात के अधिकतर समय मतलब रात में दो तीन घंटे ही बंद रहता होगा बाकी समय वहाँ पूरे दिन भर कॉफ़ी मिलती थी रात में भी कॉफ़ी मिलती थी और बाकी सब चीज़ें तो मिलती थीं लेकिन लोग कॉफ़ी के नाम से वहाँ बहुत आते थे एंड एक्सेलेंट मैस सप्लाईड गुड कॉफी द कॉफी वॉज गुड एट ऑल टाइम एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट दोन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन ये वो दिनों की बात कर रहा हूं मैं जब कांग्रेस शासन था और उसमें प्रोहिबिशन हुआ करता था प्रोहिबिशन मतलब मद्य निषेध शराब पीना मना था सरकारी आदेश था और कोई शराब खाना और कोई शराब की दुकानें नहीं हुआ करती थी उस काल की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में इस लेख में दोन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट और शराब खाने वगैरह सब बंद थी और कॉफी में मिलना कॉफी के नाम से मिलना मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी इट वाज़ वॉज राटिस्फाइंग बड़ी संतुष्टि होती थी और आनंद मिलता था आज भी आप कॉफी हाउस जाएंगे तो वहां ऐसा ही कुछ दृश्य दिखेगा जहां लोग कॉफी पीते हुए घंटों बैठते हैं और गपशप करते हैं राजनीति पर बातें करते हैं आदि आदि। सो कॉफी हाउस यूज टू बी ए प्लेस फॉर गेटिंग टूगेदर and light mood satisfying entertainment entertainment understand. Anand, Amod, Pramod, or santushti jahan santushti Mile. barring the office boys and a couple of clerks a prerequisite for poetry barring the office boys and a couple of clerks everybody else at the studio

उसकी एक महत्वपूर्ण जरूरत है कठिन श्रम सफलता की बहुत बड़ी एक जरूरत है क्या है कठिन श्रम तो प्री रिक्विज वॉट वॉज प्री रिक्विज बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर रेडिएट करना मतलब दिखाई देना रेडिएशन सुना है आपने विकिरण रेडिएशन यानी विकिरण रेडिएट करना मतलब आ, प्रभाव छोड़ना आई एम रेडिएटिंग विथ कॉन्फिडेंस मैं मेरा मेरे चेहरे से विश्वास का प्रभाव छूट रहा है दिखाई दे रहा है तो हियर ऑफिस बॉयज को छोड़कर और कुछ एक कपल ऑफ क्लर्क्स कपल मतलब जोड़ी होता है लेकिन यदि हम यूज करते हैं एक कपल ऑफ क्लर्क मतलब कुछ लोग कुछ क्लर्क कैन यू गेट मी ए कपल ऑफ मैंगोज इसका मतलब ये नहीं कि दो मैंगो वैसे तो कपल कपलकार दो होता है हस्बैंड वाइफ केवल हस्बैंड और वाइफ दो पति और पत्नी लेकिन यहाँ पर एक कपल ऑफ मैंगोज मतलब होगा कुछ आम दे दो तो बारिंग बारिंग मतलब को छोड़कर बार करना मतलब रोकना आव बिन बार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन मुझे परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है आई है बीन बार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन एज बार आपने पढ़ा होगा एज बार उम्र की सीमा बार यानी सीमा सो so, यहां पर बारिंग फ्यू क्लार्क्स एंड ऑफिस boys। ऑफिस बॉयज और क्लर्क को छोड़कर उनके अतिरिक्त एवरीबडी एल्स रेडिएटेड लेजर हर कोई लेजर मतलब फ्री समय हर लोग हर कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा दिखता था मानो उनके पास बहुत समय है क्लर्क लोग व्यस्त रहते थे ऑफिस बॉयज व्यस्त रहते थे लेकिन बाकी लोग जो वहां आते थे ऐसा लगता था उनके पास समय ही समय है रेडिएटेड लेजर टाइम मानो उनके पास बहुत समय है और आखिर ये लोग कौन थे कवि लोग थे कवियों के लिए जरूरत ये जरूरी है कि उनके पास बहुत समय हो खाली समय हो जिसमें वो निश्चिंत होकर शांत मन से तल्लीन होकर बिना किसी Uh, रुकावट के बाधा के वो कवियों की कविताओं की पंक्तियाँ सोच सकें कविताओं की पंक्तियाँ रच सकें तो इस प्रकार ये लोग आते थे वहां बड़े शांत मन से बैठते थे प्री फॉर पोएट्री आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप महात्मा गांधी बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पोलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड ये लोग अधिकतर खादी पहनते थे वियर वोर वर्न टू वियर मने पहनना वोर मने पहनक क्या पहना खादी की ड्रेस पहनते थे एंड वर्शिप गांधी जी और गांधी जी की पूजा करते थे गांधी जी को मानते थे पूजा करने के तात्पर्य है मानना गांधी को मानते थे ये लोग लेकिन उसके आगे दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फेंट मतलब एक तो होता है फेंट हो जाना मतलब बेहोश हो जाना ही फेंटेड वाइल स्टैंडिंग इन असेंबली यू विल फाइंड सम बॉयज एंड गर्ल्स फेंट आप लोग असेंबली में खड़े होते हुए कई बार पाओगे कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं वो एक तो फेंट वो हुआ और फेंट होना मतलब विस्मृत होना मेमोरी से दूर चले जाना हट जाना आई हैव ए फेंट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड मुझे अपने बचपन के बहुत कुछ कम याद है फेंट मेमोरी बहुत हल्का हल्का याद है तो यहां पर ऑथर इज सिंग कि फेंटेस्ट मेमोरी ऑफ बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रीसी प्रशंसा समझ अप्रीसी मतलब समझ आई कैनॉट एप्रीशिएट वॉट यू यू आर से एक तो होता है प्रशंसा करना और एक अर्थ होता है समझना इट इज बियॉन्ड माई अप्रीसी आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ के बाहर है आई होप यू अप्रीशिएट वॉट आई एम सेग उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हो अप्रीशियट का मतलब होता है प्रशंसा करना लेकिन यहां पर क्या अर्थ हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में समझना तो आई होप यू अप्रीशिएट व्हाट आई एम सेइंग उम्मीद है कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं सो so यहाँ पर हियर ऑथर से दे नॉट द फेंटेस्ट अप्रीसी बहुत दूर दूर तक उनको समझ नहीं थी किस बात की फॉर पोलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड किसी भी तरह की विचारधारा की समझ उनको नहीं थी राजनीतिक विचारधारा की अर्थात बड़ी हल्की फुल्की बातें करते थे वहाँ के आखिर कवि लोग थे वे लोग खादी तो पहनते थे गांधी को मानते थे लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था अर्थात बड़े गैर राजनीतिक नेचर के लोग थे ये लोग जो वहाँ के बैठते थे नेचुरली दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म टू बी एवर्स टू मतलब खिलाफ होना विरोध में होना आई एम एवर्स टू द आइडिया ऑफ गोइंग टू वैष्णो देवी ड्यूरिंग पीक कोरोना टाइम आई एम एवर्स टू द आइडिया ऑफ ड्राइविंग मोटरसाइकिल टू शिमला मैं शिमला जाने के विचार मोटरसाइकिल में शिमला जाने के विचार के खिलाफ हूं टू बी एवर्स टू तो वॉट वट इज दू टू बी एवर्स टू मतलब खिलाफ हो ना तो ऑथर इज सेंग नेर ऑल एवर्स टू दर्म कम्युनिज्म चूंकि उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी वहाँ जो लोग आके बैठते थे कॉफ़ी में गप मारते थे गपशप करते थे समय गुजारते थे समय बहुत था उनके पास इनकी कोई विचारधारा नहीं थी तो स्वाभाविक है नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से ये लोग साम्यवाद कम्युनिज़्म के खिलाफ थे गांधी के कपड़े पहनते थे खादी के कपड़े पहनते थे गांधी जी को मानते थे तो ऐसे लोग तो कम्युनिज्म के खिलाफ ही रहेंगे कम्युनिज्म एक विचारधारा है एक सोच है बिल्कुल गांधी की सोच से बिल्कुल अलग तो इसलिए ऑथर कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से चूंकि ये लोग खादी के कपड़े पहनते थे गांधी को मानते थे स्वाभाविक रूप से ये लोग साम्यवादी विचारधारा के सख्त खिलाफ थे ए कम्युनिस्ट बहुत ए गॉडलेस मैन जो एक कम्युनिस्ट होता है वो भगवान को नहीं मानता ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव और न ही किसी से प्रेम करता है ना भाई बहन से ना पत्नी से फिलियल मतलब भाई बहन फिलियल लव और कंजुगल मतलब पत्नी से प्रेम करना जो एक मार्क्स मार्क्सिस्ट होता है कम्युनिस्ट विचारधारा में जो विश्वास करता है वो एक तरीके से बड़ा अजीब आदमी रहता है उसे प्यार मोह से कोई मतलब नहीं ना पत्नी से प्रेम करता है ना अपने भाई बहनों को मानता है उनसे दूरी रहता है फिलियल लव भाई बहन से प्यार याद रखेंगे और कॉन्जुगल लव मींस पत्नी से प्यार तो भगवान में विश्वास नहीं करता एक कम्युनिस्ट स्नेह प्यार मोहब्बत की तो बात ही दूर ही है नो कम्पंक्शन अबाउट किलिंग नो कम्पंक्शन टू हैव नो कम्पंक्शन मतलब बिना किसी हिचक के टू हैव नो कंपंक्शन माने बिना किसी हिचक के बिना किसी हिचक के वो किसी को मार भी डालेगा ही no अपने माँ बाप को भी मारने में से कोई हिचक नहीं होगी अपने बच्चों को भी मारने में हिचक नहीं होती ये होते हैं कम्युनिस्ट लोग जो पक्के कम्युनिस्ट होते हैं उनकी सोच बड़ी अलग रहती उनकी दुनिया बिल्कुल अलग रहती आप भारत में जहां कम्युनिज्म है उसके बारे में आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि कम्युनिस्ट विचारधारा कैसी है दे डोंट बिलीव इन गॉड दे डोंट बिलीव इन लव ऑफ एनी काइंड दे डोंट लव देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड एंड अनरेस्ट वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं अशांति फैलाने के लिए कॉज अनरेस्ट अनरेस्ट मतलब अशांति उनका इसमें बड़ा विश्वास है अशांति फैलाने में हमेशा तैयार दोनों पांव पे खड़े रहते हैं शांति के लिए कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल इनोसेंट मतलब सरल इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी अनभिज्ञ सरल विचारों वाले सरल प्रभाव के प्रकृति के जो लोग होते हैं अज्ञानी अशिक्षित लोग जो होते हैं जो मूलतः गांव में होते हैं अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं ज़्यादा और वहाँ हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं इन लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करके अनरेस्ट और वायलेंस लाने की कोशिश करते हैं। हिंसा अशांति कोई रिश्ता नाता नहीं भगवान पर विश्वास नहीं मरने मारने पे उतारू किसी को भी मार देंगे ये कम्युनिस्ट लोगों की सोच होती है सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स ऐसी जो सोच थी नोशन मनी सोच जो सब जगह फैल चुकी थी ऐसी सोच जो सब जगह फैल चुकी थी टू तो प्रिवेल मतलब हावी होना आई कुड नॉट प्रिवेल अपॉन माई पेरेंट्स मैं अपने पेरेंट को फिर हावी नहीं हो सका उनको समझा नहीं सका मैंने बार बार उनको समझाने की कोशिश की कि हम लोग जो सब बद्रीनाथ चलते हैं बट आई कुड नॉट प्रिवेल अपॉन दैम तो टू प्रिवेल अपॉन यहाँ पे सच नोशंस ऐसे विचार विच प्रिवेल एवरीवेयर एल्स एल्स मतलब हर जगह इन साउथ एंड एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली सब जगह वो फैल रहे थे ऐसे विचार उस समय भी फ्लोट करना मतलब हवा में थे ऐसे विचार अब जगह जगह फैल रहे थे वेगली मीन्स हल्के फुलका आई हैव ए वेग मेमोरी ऑफ माय पास डेज वेग मतलब बहुत हल्का ज्यादा मेमोरी नहीं है मेरे को पुराने दिनों की आप फेंट फेंट मेमोरी वेग मेमोरी और वेग मतलब अस्पष्ट तो यहाँ पर बड़ी अस्पष्ट थे वो लोग अपने विचारों में बट ये विचार फैल तो रहे थे धीरे धीरे यद्यपि ये विचार धीरे धीरे फैल रहे थे सतही तौर पर लोगों को मालूम पड़ रहा था इनके विचारों के बारे में दक्षिण भारत में भी यही हो रहा था इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी ऐसे विचारों ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया था ऐसे विचारों ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और यही हाल कमोबेश खादी क्लैड पोएट्स क्लैड मैंने पहने हुए खादी पहने हुए कवि जो जैमिनी स्टूडियो में थे उनका भी था यानी थोड़ा बहुत जानकारी मिलने लगी थी एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग इसका प्रमाण जल्दी आने ही वाला था किसका प्रमाण कि कम्युनिस्ट विचारधारा अब धीरे धीरे दक्षिण में और जैमिनी स्टूडियो के कवियों के बीच में भी अब पहुंचने लगी है अपना पैर पसारने लगी है इस विचारधारा का प्रमाण तुरंत मिल गया कुछ दिनों बाद एविडेंस यानी प्रमाण ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग कुछ दिनों में इसका प्रमाण तुरंत मिल गया अब वो क्या प्रमाण था ऐसा क्या प्रमाण था जिससे साबित हो गया कि जैमिनी स्टूडियो के कवि लोग भी जो वैसे तो खादी के कपड़े पहनते थे गांधीवादी विचारधारा के लगते थे राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं था उनका धीरे धीरे इस विचारधारा का असर उन पर होने लगा है इसका उदाहरण पैरा सेवन में आप देखिए